हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह के बज रहे हैं 4। जैसा कि अब मेरा रोज़ का नियम है, कोई भी नियम एक दो दिन में नहीं बनता। जैसे आप लोग कहते हैं मुझसे ये चीज़ नहीं होता, अरे होगा भाई। किसी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा आप उसे वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, फिर धीरे धीरे होगा। मुझसे भी पहले ऐसा नहीं होता, 4 बजे उठा नहीं जाता था, इतना ज़्यादा टहला नहीं जाता था, लेकिन अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं कितना भी टहल लूँ कितना भी टहल लूँ लेकिन थकान नहीं होता। लेकिन होता क्या है ना, जब 2 दिन 1 दिन ना जाओ तो फिर से दोबारा जाओ तो पैर दर्द होने लगते हैं, ऐसा होता है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर बनाने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, जैसे 1 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम। उसके बाद आपकी एक आदत बन जाएगी, उसी टाइम पे आपकी नींद खुलेगी, उसी टाइम पे आपको नींद आएगी जिस टाइम पे आप अपनी आदत बना रखे हैं। 32 बार खाने की आदत इतना आसान नहीं होता बनाना, लेकिन हाँ करना होता है। मैंने बहुत बार किया, मैंने बहुत बार छोड़ा, लेकिन इस बार हमने हठ लगा रखी थी कि इस बार ना 32 बार को छोड़ना है, आज ही नहीं कभी भी नहीं छोड़ना है। अपने जीवन में जब तक जीवन है 32 बार को कभी नहीं छोड़ना है। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, लेकिन 32 बार चाव करके ज़रूर खाएं। जैसे हम खाने की बात कर रहे हैं, लंच रोटी चावल की बात कर रहे हैं, तो आज सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में जाएगा ये, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोनी पास्ता जो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको धुल के उबलने के लिए रख दिया है और ये उबल चुका है, गैस बंद कर दी है, बस इसको छान लेते हैं। और फिर से कढ़ाई चढ़ाई है वही सेम जिसमें हमने उबाला है, इसमें हमने डाली है हरी मिर्ची प्याज, इसको फ्राई करेंगे। जब से हम लोग बरेली से आए हैं तो ये नए तरीके से पास्ता बनाना सीख के आए हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं जाता, सिर्फ प्याज टमाटर हरी मिर्च के अलावा, बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो इसमें हमने डाली थी 1 प्याज, 1 हरी मिर्ची और 2 टमाटर, टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, 2 की जगह 3 भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर गल जाए, इसको ढक देते हैं चला के। टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना तो ये टमाटर का पल्प जैसे बन जाएगा, खट्टा खट्टा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज थायराइड की दवा सुबह खाना भूल गए थे, आप लोग पूछते हैं ना कितने mg की दवा है, आप थायराइड की गोली लेती हैं कि नहीं? हाँ देखिए, ये हल्की सी येलो येलो होती है और ये गोली सुबह खाली पेट लेते हैं और 85 mg की है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुका था और हमने 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया है। चाहे तो आप ये भी ना डालें, लेकिन मैगी मसाला से ना मैगी वाला स्वाद आता है, बच्चों को और ज़्यादा भाता है। और ये बच्चों के लिए बन रही, मेरे घर में बड़े कोई खाता नहीं पास्ता मैगी, मतलब बच्चे दोनों खाते हैं, सबसे ज़्यादा चाव से बिटिया खाती है मैगी पास्ता, और बच्चे तो मतलब गोलू तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बस बन जाता है तो खा लेते हैं, बाकी मेरे घर में मैं और ये बिल्कुल छूते भी नहीं है मैगी पास्ता। मैं तो जब से डाइट शुरू किया है तब से मैदा चीनी एकदम से छोड़ दिया है। हाँ कभी कभार महीने में या फिर 1.5 महीने में समोसे खाने का मन होता है तो 1 खा लेती हूँ। तो बस उधर पास्ता बन गया, इधर चाय बन गई, आजकल बिस्किट नमकीन सब कुछ फिनिश है। नमकीन तो आता है तो बच्चों की वजह से बचता नहीं है, और बिस्किट नमकीन बच्चे खाते हैं मेरे घर में, वो भी हम दोनों नहीं खाते हैं, तो आजकल ख़त्म हो रखा है, जब मार्केट जाएंगे तो आएगा। पास्ता बन के तैयार हो चुका है, बस बच्चों का टिफिन लगा देते हैं और बच्चे जाएंगे स्कूल। तो आज के इन लोगों का जो है बन के तैयार है, बढ़िया कम टाइम में बन चुका है। और इधर बिटिया की चोटी बनाते हैं, और बिटिया से आप लोग मिल लीजिए, हमारे जितने नए सब्सक्राइबर हैं शायद नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब के जो ब्लॉग जाते हैं उसमें बच्चे हस्बैंड बहुत कम आते थे, पहले के ब्लॉग में सब आते थे। आप देख सकते हैं मेरा सूट कितना ढीला ढीला है, आप यहाँ से देख सकते हैं ना, मेरे हाथ, मेरे कमर, यहाँ कमर के इधर उधर ना आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 अंगुल इधर 8 अंगुल उधर दोनों तरफ कमर में निकला हुआ था। फ्रेंड अभी बज रहे हैं सुबह के ना 6:30। सबसे पहले सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त और हमारी तरह ना खूब खुश रहें, चाहे जो भी हो, समय परिस्थिति कुछ भी हो, बट आप अपने चेहरे से स्माइल कभी जाने ना दें, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के 6:30 बजे हैं, बच्चे जस्ट अभी अभी जा रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ी देर सुस्ता लेती हूँ, और सुस्ताते सुस्ताते मुझे याद आया कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। सुबह के 6:30 बजे सोचो पूरा घर मतलब सुबह सुबह ही निकल गया। हस्बैंड के स्कूल में भी आज परीक्षा थी, बताया है आप लोगों को ना कि हस्बैंड का स्कूल बड़े बच्चों का है, जैसे BA, BSc, MCOM, BCOM, LLB, मतलब बड़े बच्चों का, MA, BA, BTech ऐसा स्कूल है। तो उनके स्कूल में परीक्षाएं
अनगिनत होती हैं, कभी किसी विभाग में, कभी किसी विभाग में, कभी किसी चीज की परीक्षा, कभी किसी चीज की परीक्षा होती रहती है। तो आज उनके स्कूल में भी 7 बजे से परीक्षा थी, तो वो भी 6:30 बजे निकल गए बच्चों के साथ। और घर ने सभी लोगों ने सिर्फ चाय पी, मैंने कहा फ्रूट दूध ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा हेल्दी नाश्ता, लेकिन किसी को कुछ रास नहीं आता सिर्फ चाय के अलावा। चाय बनाया, बेटी को पास्ता मैगी पसंद है तो उसको पास्ता मैगी बनाया, मतलब पास्ता बना दिया था दोनों बच्चों को। बच्चा बेटे को तो उतना ज्यादा नहीं भाता ये सब, उसको तो बस सब्जी रोटी पराठा सब्जी ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन बेटी की वजह से अब वही बनता है जो एक लोग को पसंद होता है। इतने कम टाइम में दो चीजें तो कर नहीं सकते। घर के अभी पूरे पूरे काम है, मतलब एक बार ना समझ लीजिए अगर सुबह के सारे काम हो जाते हैं ना तो ऐसे गंगा स्नान करके चले जाते हैं, इतना ज्यादा मतलब थकान थकान सी लगी है। अभी पानी भी नहीं पिया है सुबह का, सबसे पहले पियेंगे गर्म पानी, थोड़ा सा लेंगे एनर्जी, अगर मतलब ना मन हुआ तो 10-5 मिनट रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जब सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं ना तो ऐसे लगता है नींद सी लगी है। और बस पानी पियेंगे, घर की साफ सफाई शुरू करेंगे, बेडशीट और सीट झाड़ेंगे, बाहर बरामदे से लेके वहां बरामदे तक, जहां तो गोरी की चोटी बना रहे थे जहां पर कच्ची फर्श है ना, तो वहां तक मुझे झाड़ू लगाना है बाहर से अंदर तक। और वो कच्ची फर्श इसलिए है, आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा ना गाँव की तरह है ना, तो ये सरकारी आवास है, सरकारी में जैसा रहता है ना वैसे रहना पड़ता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये घर तो पूरा पक्का है, अच्छा है, लेकिन बाहर की एरिया की तरफ ना ऐसे मिट्टी वाला है, ताकि आप वहाँ पे पेड़ पौधे उगा सकें, फूल लगा सकें, या फिर कुछ जैसे धनिया मिर्ची वगैरह ये सब उगा सकें। तो मैंने बहुत सारे मतलब पौधे लगाए हैं, गुलाब, अरबी पत्ता, गुड़हल, गेंदे भी लगाते हैं ठंड के मौसम में, और क्या कहते हैं पुदीना तो हमारे यहाँ बारहो मास होता है, सबके यहाँ सूख जाता है, लेकिन पुदीना मेरे यहाँ 12 महीने मिल जाता है। तो पुदीना लगा रखा है, करी पत्ता लगा रखा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जामुन का भी पेड़ है, तो इसलिए है। और आप सबको लगता होगा ना कि ये गांव जैसा है ना, तो गांव नहीं बल्कि हम मेन सिटी में रहते हैं, गोरखपुर में मेरा जो ये आवास है ना मेन सिटी में है। तो चलिए आप लोगों से बातें बहुत हो गई, अब काम कर लेते हैं। आज बनाएंगे भिंडी, तो भिंडी को सबसे पहले धुल के रख देते हैं ताकि वो भी सूखती रहे। तो दो काम सबसे पहले करेंगे, बाकी काम होते रहेंगे, एक तो भिंडी धुल के रखना और दूसरा गर्म पानी पीना, बाकी सारे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम जरूरी है उसको कर लेते हैं। और हाँ, चेहरे की स्माइल आप लोग कभी जाने मत दीजिएगा, हमेशा हंसते रहिएगा, क्योंकि एक हंसी ही तो है जो हम सबके पास है, जिससे हम खुद को प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारी हंसी देख के शायद कहीं ना कहीं जो कि घर में जो वातावरण होता है ना वो भी खुशनुमा हो जाता है। अगर कोई भी गुस्सा है आपसे, बस उसको एक स्माइल दे दो ना, तो वो भी हंसे बिना नहीं रह जाता। मैं यही आप लोगों को सिखाना चाहूंगी। वैसे मैं इतना ज्ञानवान तो नहीं हूं मैं आप लोगों को उतना ज्ञान दे सकूं, लेकिन मेरे पास जितना है मैं पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस आप लोगों से बात करने के बाद ना, सबसे पहले हमने सोचा चलो यहीं से हाथ साफ करते चलते हैं, यानी बिस्तरा साफ करते चलते हैं। रात को सोने से पहले एक बार बिस्तरा झाड़ के बिछा के सोया जाता है, फिर सुबह उठ के बिस्तरा झाड़ा जाता है, क्योंकि सब लोग सोते हैं तो बिस्तरा मतलब बटोर के इधर उधर कर देते हैं। तो ये होता है चलो सबसे पहले सुबह बिस्तर झाड़ के बिछा के फिर से झाड़ू लगाया जाए। कुछ लोग का काम होता है कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं फिर बिस्तरा झाड़ते हैं, मेरा भी ऐसा होता है, कोई ये नहीं होता है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, जब जो मर्जी हो वो कर दो, काम दोनों ही करना है, झाड़ू भी लगाना है और बिस्तरा भी साफ करना है। तो आज हमने सोचा चलो पहले बिस्तरा बिछा देते हैं फिर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बिस्तरे पर से जो भी कचरा होगा, कूड़ा होगा, गंदगी होगी, नीचे गिर जाएगा, झाड़ू लग जाएगी, पोछा लग जाएगा। तो ये बेड इस बार हमने दीपावली से पहले बनवाया था, पहले तो तकत हुआ करता था, लेकिन सामान ज़्यादा होने की वजह से दीवान की ज़रूरत लगी, तो हमने सोचा चलो भाई अब ये भी काम ज़रूरी हो चुका है तो दीवान बनाइए, और दीवान बना तो गद्दे की ज़रूरत हुई तो फिर गद्दा आ गया। तो इस बार दीपावली में हमने ना ये दीवान बनवाया था, और ये जो बगल में आपको साइड में फ्रिज दिख रही होगी ये फ्रिज भी खरीदा था इस बार दीपावली में, दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बस कमरा सही कर दिया है और चद्दर सही कर दिया है, एक बहुत बड़ा काम हो चुका है ये। और जब सारे काम करके आओ ना और साफ सुथरा बिस्तरा मिलता है इस तरीके से बिछा बिछाया ना, तो समझो आधी थकान अपने आप दूर हो जाती है। तो बिस्तरा साफ़ कर दिया, अब झाड़ू पोछा हो चुका है, देख सकते हैं कमरा एकदम चकाचक साफ सफाया हो चुका है। और आज ना पूरे काम करने के बाद पानी पीने आए, जब मैं काम में जुट जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ अपने आप को। यही कहते हैं ना कि हमेशा महिलाएं इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं सबके काम में, सबके लिए सोचती हैं, सबके लिए करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती हैं। और आज पानी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था जल्दी जल्दी में कि पूरा मुँह ही जल गया मेरा पानी पीने के चक्कर में, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पी लेती हूँ।
बस पानी पियेंगे और अब चलेंगे स्नान करेंगे। 10-5 मिनट जो भी घर के काम होते हैं, जैसे बर्तन वर्तन निकले होते हैं उन सबको धुल के, सब्जी कट करके, सब्जी धुल करके, मतलब ये सारे काम करके फिर स्नान होता है। और स्नान करके जस्ट बाद पूजा होती है, पूजा के बाद तैयार हो जाते हैं जो भी तैयार होना होता है। बाल में कंघी पड़े ना पड़े, बाल धुला रोज जाता है। बृहस्पतिवार, शनिवार, कोई कोई खास खास दिन छोड़ के बाकी सारे दिन बाल धुल लेते हैं, क्योंकि किचन में होता है गर्मी, ऊपर से झाड़ू पोछा करना होता है तो बाल में बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और इसी वजह से ना आजकल बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं बारिश की वजह से, ना तो इसमें ठीक से ऑयलिंग हो पा रही है ना ही कॉम्ब हो पा रहा है, बस धुला जा रहा है धुला जा रहा है, जूड़ा बनाए जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। आ जाइए आप लोग नाश्ता कर लीजिए, कई दिन हो चुके थे स्प्राउट खाए हुए ना, तो आज मेरा मन डोल रहा था कि चलो स्प्राउट खाते हैं। और स्प्राउट तभी से बना के रखे हैं, रोज़ रोज़ नहीं बनाते। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था स्प्राउट कैसे बनाते हैं बहुत पहले, तो बस वही बना के रखा है। स्प्राउट, गुड़ और दूध, किशमिश भी था, छुहारा भी था, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया, बस सिंपल सा नाश्ता। और आज बनाएंगे भरवा भिंडी। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाले हैं धनिया, सौंफ और थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा आप जीरा भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से भूनेंगे, लेकिन हम आप लोगों को यही कहेंगे आप भरवा कलौजी कभी ना बनाएं। होता क्या है कि कितनी भी मेहनत मशक्क़त कर लो ना, कलौजी का सारा मसाला तेल में ही आके गिरना गिरना है। इसलिए मैं यही कहूँगी आप सब्जी की तरह बनाएं और उसके बाद ये कलौजी का मसाला लास्ट में ऐड कर दें। फिर भी आज दिल नहीं माना, हमने सोचा चलो भरवा बनाते हैं, क्या कहते हैं, भिंडी भर के बनाते हैं। और भिंडी ऐसी आई थी ना, आधे से ज़्यादा भिंडी जो है कड़ी हो चुकी थी। जब ये सब्जी लेने जाते हैं तो बस ऐसे लेते हैं, मैं कई बार बताया ना कि इनको जो सब्जी दे देते हैं वही लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो धनिया, सौंफ, अजवाइन था उसको भूना था, पीस लिया है सिलबट्टे पे। इसमें हमने डाला हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाले, इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और खलबट्टे में हमने एक बड़ा पुती लहसुन और 2 हरी मिर्ची को कूट लिया है, उसको डाल दिया है। सरसों का तेल डाला है, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये थोड़ा सा गीला गीला हो जाएगा ना तो भरने में आसानी होगी, जो हमने भिंडी रखी है। और मेरा इसीलिए भरवा करेला हो, भरवा भिंडी हो, भरवा कुछ भी हो, बनाने का मन नहीं होता ना, क्योंकि जितना हम मेहनत करते हैं ना उसका सारा का सारा मतलब बेकार हो जाता है। सारा मसाला जो है, कितने भी आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे से भर लो, लेकिन उसका मसाला ना तेल में तो गिरना ही गिरना है। तो सारे भिंडी को भर के तैयार कर लिए हैं और बड़ी ही मेहनत लगी, मसाला भी बच चुका है, ज़्यादा हो चुका था मसाला, यूज हो जाएगा सब्जी में। तो कढ़ाई में तेल गरम किया है और सारी भिंडी को डाल देंगे धीरे धीरे आराम आराम से। सारे काम आराम आराम से किए, लेकिन भिंडी की जो दुर्दशा हुई ना आप लोगों से बता नहीं सकते हैं, सारी भिंडी के मसाले निकल जाते हैं। ऐसे करेला बनाते हैं ना, कितना भी इसको बांध देते हैं तागे से, कैसे भी करके बना देते हैं, लेकिन सारा मसाला तो उसका निकलना ही निकलना है तेल में, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हैं कितने मतलब अच्छे से मेहनत से बनाई थी और लास्ट में देखिए सारा मसाला बाहर निकल आ चुका है। फिलहाल चलिए बन के तैयार हो चुका है भिंडी, रोटियाँ बना लेते हैं फटाफट से। आज दोपहर के लंच में दाल चावल भी बना था थोड़ा सा, और बनी थी भिंडी की सब्जी। आप लोग भी आ जाइए भिंडी खाने और रोटी खाने। चलिए प्लेट लगाते हैं, सबसे पहले आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने। बनाने को तो हमने भिंडी बना दी थी, लेकिन मैं ये सोच के परेशान थी आज मैं क्या खाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि चलो दही रखी है, दही गुड़ रोटी खा लेते हैं। आलस मुझे इतना ज़्यादा आ रहा था कि आज हमने खाना 3 बजे खाया पूरा, मतलब खाना खाया ही नहीं। सिंक में बर्तन लगे हुए थे, काम यूट्यूब का निपटाने लगी, इंस्टाग्राम के काम हो जाते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम में लाइव में चले जाते हैं, सखी सहेली से बातें होने लगती हैं, तो टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद अभी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, खाना खाऊंगी तुरंत बर्तन धुलूंगी और तब तक बच्चे आ जाएंगे। फिर हमने मक्के की रोटी भी नहीं बनाई, बस 2 रोटी गेहूं की दही खा ली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6:30, टहलने आ चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे आने में, मेरे साथ आज कोई नहीं है, सब लोग टहल के वहाँ बैठी हुई हैं चबूतरे पे और मैं अकेली टहल रही हूँ। तो वैसे शाम के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है। और हुआ कुछ यूँ, गोलू पहले ही आ चुका था खेलने, उनके पापा मार्केट गए हुए थे चाय पी के और गौरी सो रही थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। अभी ये मेरा दूसरा चक्कर है और आज मैं 3 चक्कर नहीं लगा पाऊंगी, 2 सुबह लगाया था, 2 शाम को, यानी 4 सुबह 4 किलोमीटर और 4 शाम को। इतना अच्छा मौसम हो चुका हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा क्या बताएं, शाम के टाइम कुछ पूछो मत। और आप लोग कहते हैं ब्लॉग को रात तक कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ से जाते हैं वीडियो की एडिटिंग करने लग जाते हैं, वीडियो एडिट करके आप लोगों के पास तक पहुँचाना होता है कल तक, तो एडिट करके इस टाइम रखते हैं तो सुबह अपलोड करते हैं
और टाइटल वाइटल लगाते हैं, फिर दोपहर में फिर आप लोगों के पास जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम परिवार के लिए भी निकालना होता है। दिन भर अगर यही करते रहेंगे, यूट्यूब में ही लगे रहेंगे, तो बाकी सबका ध्यान रखना होता है और इसका भी ध्यान रखना होता है। रोज़ डेली का डेली वीडियो डालना, अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। पर कोई नहीं, आप लोग कहते हैं तो कभी कभार शाम का रूटीन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर। फिलहाल अभी सोचेंगे, समझेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। शाम के रूटीन में वही चीज़ें होती हैं, खाना बनाना, खाना पीना, सोना। लेकिन होता क्या है, शाम के टाइम बच्चे आ जाते हैं 3 बजे से, तो बहुत कम मोबाइल उठाना होता है क्योंकि मोबाइल में उन लोगों का पढ़ाई लिखाई का भी काम चलता रहता है कभी कभार। और फिर बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत खेलने के लिए चाहिए होता है आधा घंटा। फ़ोन को चार्ज में भी लगाना होता है, फिर वीडियो एडिट करना होता है, इंस्टाग्राम का भी काम होता है। तो फ़ोन एक है, काम अनेक हैं, और कितने सारे काम आपको गिनाए, फ़ोन से ही सारे काम होते हैं। तो इसकी वजह से भी शाम के टाइम जो है कम शूटिंग होती है। और शाम के टाइम ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस सिंपल सा कोई सब्जी रोटी बन जाती है, या अगर दोपहर में दाल चावल, दोपहर में सब्जी रोटी बनी होती है तो फिर शाम के टाइम दाल चावल बन जाता है, या फिर शाम के टाइम कुछ ऐसा होता है मीन्स खिचड़ी बन जाती है, या फिर दूध रोटी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, अगर आप घर परिवार से हैं या फिर आपकी फैमिली में हस्बैंड बच्चे हैं तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन जहाँ जिसकी फैमिली लंबी होती है, परिवार लंबे होते हैं, तो वहाँ पे हर हाल में आपको दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाना होता है। लेकिन मेरे परिवार में शाम के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, बस सिंपल बन जाता है। सुबह में भी कुछ ऐसा नहीं होता, जो भी बन जाता है सब लोग खा लेते हैं। तो बस ऐसे रूटीन चलता रहता है। आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक हम 2 राउंड पूरा कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल की ब्लॉग में, फिर सुबह से। बाय।